सतनाम वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, गणेश जी के प्रसाद के लिए आज हम बनाएंगे बेसन से बनने वाले बहुत ही ज्यादा टेस्टी सी मोदक की रेसिपी। इस मोदक को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल झटपट 10 से 15 मिनट में आप ये बेसन के मोदक बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इस मोदक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे गैस पर एक कढ़ाई रखी है और इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे 1/4 कप घी। तो घी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बस 1/4 कप ही हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे, इतना घी बिल्कुल सफिशिएंट होगा। तो घी को अच्छे से हम यहाँ पे मेल्ट होने देंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस को यहाँ पे लो मीडियम के बीच में रखना है। घी जैसे ही हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 कप बेसन। तो यहाँ पे फाइन बेसन का ही आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है और बेसन को यहाँ पे हमें अभी 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और हम यहाँ पे बेसन को लगभग 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें, बेसन जैसे ही हमने घी में मिक्स कर दिया है तो ये मिक्सचर आपको थोड़ा सा इस टाइम पे ड्राई ड्राई लगेगा, आपको लगेगा इसमें घी हमने कम यूज किया है, लेकिन इतना घी बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे इसमें से घी रिलीज होने लगेगा और ये मिक्सचर थोड़ा सा गीला हो जाएगा। तो कुछ देर मैंने यहाँ पे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे भून लिया और आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा सा पहले से ये गीला सा हो गया है, इसमें से घी रिलीज होने लग गया है। तो इसी तरीके से हमें बेसन को यहाँ पे लगभग 6-7 मिनट के लिए भूनना है। बेसन को भूनते टाइम जब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं तो उसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। तो लगभग 7 मिनट के लिए मैंने बेसन को यहाँ पे भूना है और बहुत ही बढ़िया से बेसन यहाँ पे अच्छे से भून गया है, उसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लग रही है। यहाँ पे आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और डार्क कलर आने तक भी भून सकते हैं। तो लगभग 7 मिनट के लिए मैंने बेसन को भून लिया है। अब यहाँ पर 1/2 कप हम इसमें चीनी डाल देते हैं। तो मैंने नॉर्मल चीनी ही डाली है, आप चाहें तो चीनी को यहाँ पर पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे ताकि चीनी भी अच्छे से इसमें घुल जाए। चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, लगभग 2-3 मिनट मैंने इसे पका लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें 1/2 कप डाल देते हैं मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर जब आप इसमें डालें तो गैस को आपको कर देना है यहाँ पे बंद। तो गैस को मैंने यहाँ बंद कर दिया है और मिल्क पाउडर को डालने के बाद अच्छे से इसे यहाँ पर मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत जल्दी से जलने लगता है तो आपको गैस बंद करना है मिल्क पाउडर डालते टाइम। अच्छे से मिक्स होने के बाद आप गैस को फिर ऑन कर ले। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर अच्छे से हमारा इसमें मिक्स हो गया है, तो अब गैस को हम ऑन कर देते हैं और यहाँ पर अब हम इसमें बाकी की चीजें डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप दूध। यहाँ पे ये दूध मैंने लिया है, इसमें थोड़ी सी मलाई भी थी जो दूध के ऊपर जम जाती है, तो पहले से ये बॉईल किया हुआ दूध मैंने इस्तेमाल किया है। बहुत ज्यादा मलाई नहीं, थोड़ी सी लगभग 2-3 चम्मच अगर आप डाल देंगे तो अच्छा होगा। इसी के साथ 1 चम्मच दूध में यहाँ पर मैंने थोड़े से केसर के धागे को भिगो के रखा था, तो इस केसर वाले दूध को भी हम इसमें डाल देते हैं। केसर डालना यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे इसे बिना केसर के भी बना सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा कोई फूड कलर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और गैस को यहाँ पे लो मीडियम के बीच में ही रखना है और मिक्स करते हुए इसे हम यहाँ पर लगभग 3 मिनट के लिए पकाएंगे, 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखेंगे कि आप जैसे ही दूध इसमें मिक्स होते जाएगा ये मिक्सचर हमारा पहले से गाढ़ा होते जाएगा, कुछ इस तरीके का हमारा मिक्सचर यहाँ पे तैयार होगा। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे लगभग 3 मिनट के लिए। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए हमें इसे पकाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये मिक्सचर पैन छोड़ने लग गया है और एकदम इकट्ठा होने लग गया और इसमें काफी अच्छी सी एक शाइन भी आ गई है घी की वजह से। इसका मतलब यही है जो हमारा मिक्सचर है यहाँ पे मोदक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लेकर और इसे लड्डू जैसे बना लें और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आपका मिक्सचर तैयार हुआ है या नहीं। तो मिक्सचर हमारा बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम इसके लिए एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम, काजू और थोड़े से मैंने पिस्ता ले लिए हैं। आप अपनी पसंद के यहाँ पे कोई भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिए हैं पिस्ता, काजू और बादाम। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पे नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट लगभग 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबलस्पून और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के जितना सौंफ। सौंफ से काफी अच्छा टेस्ट आता है, जरूर से डालिए इसमें सौंफ। और साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून के जितना डाल देते हैं इलायची का पाउडर। और इसी के साथ यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा गुड़। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसमें
गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जो आपके पास गुड़ होगा उसे थोड़े थोड़े छोटे पीसेस में कट करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अब हम यहाँ पे अच्छे से एक बार ग्राइंड कर लेंगे और कुछ इस तरीके का मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें से थोड़े से छोटी साइज की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि हम उसे आसानी से स्टफ कर सकें। तो यहाँ पर स्टफिंग जो हमने तैयार की थी उसमें से मैंने छोटी छोटी साइज के इस तरीके से बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं और जो हमारा मिक्सचर है वो भी काफी अच्छे से यहाँ पे रेडी है। बिल्कुल पूरी तरह से ये ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा अभी भी ये गर्म ही है। तो हम इसमें से मोदक बनाना भी स्टार्ट करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक मोल्ड ले लिया है। ये मोल्ड आजकल आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा पहले घी के साथ ग्रीस कर लेंगे। एक ही बार आपको ग्रीस करना है, बार बार इसे यहाँ पे घी से ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। और अब अपने हाथों पर थोड़ा सा ये मिक्सचर ले लेंगे और अपने हाथों में इस तरीके से चिकना करते हुए इस मोल्ड में हम ये मिक्सचर को डाल देंगे और इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से शेप ले ले यहाँ पे मोदक की और बीच में जगह बना लेंगे। और जो इसमें बीच में हमने जगह बनाई है इसमें हमने ये जो स्टफिंग वाले छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं ये डाल देते हैं। इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लें और फिर हम इसे ये जो मिक्सचर है इससे हम इसे कवर कर लेंगे और अच्छे से आप इसे प्रेस करें ताकि ये परफेक्ट मोदक का शेप आए। और इस तरीके से फिर हम यहाँ पे इसे डीमोल्ड कर लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर हमारा ये मोदक बन के तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छी सी इसमें शाइन है और कलर भी बहुत ही अच्छा है, हमने केसर का इस्तेमाल किया है इसकी वजह से, और बहुत ही बढ़िया बनते हैं इस तरीके से। अगर आप ये मोदक बनाते हैं तो सारे मोदक हम इसी तरीके से यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मोदक को बना लिया है, आप देख सकते हैं सारे मोदक हमारे बिल्कुल यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। लास्ट में हम इस पर थोड़ा सा ये केसर वाला दूध मैंने सोख करके रखा था, केसर को वो थोड़ा सा हम इसे ऊपर से गार्निश कर लेंगे ताकि ये दिखने में बिल्कुल मार्केट में जो आपको मोदक मिलते हैं बिल्कुल वैसे लगे और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है। ये करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिल्कुल इसे प्लेन रख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मोदक हमने इसी तरीके से बना के यहाँ तैयार कर लिए हैं। टोटल यहाँ पे 23 मोदक बने थे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें से इस साइज के। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बेसन के मोदक बिल्कुल झटपट आप बना के तैयार कर सकते हैं। टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इन मोदक का, बहुत ही टेस्टी सी हमने स्टफिंग भी डाली है इसमें। तो ज़रूर से बनाइए गणेश जी के प्रसाद के लिए इस मोदक की रेसिपी को। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।